नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इन दिनों बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आज हम आपको जिला परिषद की सैलरी कितनी होती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था जिला परिषद है। जिला परिषद ही होते हैं जिनका काम ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों का मूलतः निर्धारण और मार्गदर्शन करने का काम करती है। सबसे खास बात यह है कि जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसका गठन लगभग 50,000 की आबादी पर किया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य पद पर एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की ही तरह जिला परिषद का कार्यकाल भी इसकी पहली बैठक से 5 साल के लिए ही होता है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य यथाशीघ्र अपने में से 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करेंगे। वहीं अगर बात इनके वेतन की करें तो जिला परिषद अध्यक्ष को 12,000 रुपए प्रति महीने, वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष को 10,000 रुपए प्रति महीने दिया जाता है। अब सवाल ये है कि जिला परिषद के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं, तो हम आपको बता दें कि जिला परिषद का काम कृषि, सिंचाई, भूतल, जल संसाधन एवं जल संभर विकास, बागवानी, सांख्यिकी, ग्रामीण विद्युतीकरण, आवश्यक वस्तुओं का विवरण, भूमि संरक्षण, विपणन, सामाजिक वानिकी, पशुपालन एवं गव्य विकास, लघु वन उपज, ईंधन एवं चाय, मत्स्य पालन, घरेलू एवं लघु उद्योग, ग्रामीण सड़कें एवं अंतर्देशीय जलमार्ग, स्वास्थ्य एवं आरोग्य, ग्रामीण आवास, शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं कमजोर वर्गों का कल्याण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक सुधार कार्यकलाप। इसके अतिरिक्त जिला परिषद अपने में निहित और नियंत्रणाधीन और प्रबंधनाधीन किसी संस्था या सार्वजनिक उपयोग के किसी काम का प्रबंध या अनुरक्षण, ग्रामीण हाटों और बाजारों का अधिग्रहण और अनुरक्षण, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत को अनुदान, संकटग्रस्तों को राहत देने के लिए उपाय, पंचायत समितियों द्वारा तैयार किए गए विकास योजना और स्कीमों का समन्वय और एकीकरण, पंचायत समितियों के बजट प्राकलन की जांच और मंजूरी करना, एक प्रखंड से अधिक में फैले किसी स्कीम को अपने हाथ में लेना या उसका कार्यान्वयन करना, किसी निजी स्वामित्व वाले या किसी अन्य प्राधिकार के स्वामित्व वाले किसी ग्रामीण पुल, तालाब, घाट, कुआं, नहर या नाली का अनुरक्षण और नियंत्रण, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी विषय, राज्य सरकार द्वारा किसी अध्यादेश के अधीन जिला परिषद को ऐसी शक्तियां निहित की जा सकेंगी जिसे सरकार यथोचित समझे, 2 या अधिक निकटवर्ती जिलों के जिला परिषद तथा सहमत बंधेज और शर्तों के अनुसार संयुक्त रूप से किसी विकास स्कीम को अपने हाथ में ले सकेंगे और उसका कार्यान्वयन कर सकेंगे। जिला परिषद का वार्षिक बजट तैयार करना इसमें भी शामिल है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।